नमस्कार दोस्तों टीचर सिंह में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भोपाल में जो नया वैकेंसी आया है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ मेंशन किया है पोजीशंस जो है लेक्चर कम इंस्ट्रक्टर असिस्टेंट लेक्चर एंड टीचिंग एसोसिएट और जिसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम डिग्री और पीजी रिलेवेंट और इसको अप्लाई करने का जो डेट है ये विद इन थर्टी डेज तो चलिए चलते हैं मैं उसका वेबसाइट पे और देखते हैं क्या क्या वैकेंसी आया है तो आप यहाँ देख सकते हो हम आ गए हैं गूगल पे हम क्लिक करते हैं आई एच एम सी टी भोपाल तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन आया है यहाँ हम क्लिक करते हैं और ये है होटल मैनेजमेंट भोपाल का जो ऑफिशियल वेबसाइट तो चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ देखिए नीचे यहां एक मेंशन किया हुआ है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो यहां देखिए एडवर्टाइजमेंट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये आ गया आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो चलिए देखते हैं यहां लिखा हुआ है द इंस्टीट्यूट इन्वाइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर कम इंस्ट्रक्टर परमानेंट पोजिशन असिस्टेंट लेक्चर कम असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर परमानेंट पोजिशन एंड टीचिंग एसोसिएट कॉन्ट्रेक्चुअल पोजिशन के लिए तो चलिए एक एक डिस्कस करते हैं पहले आ रहा है हमारा लेक्चर कम इंस्ट्रक्टर इसमें टोटल दो पोस्ट है एक एस सी के लिए और एक जनरल के लिए जिसके लिए पे स्केल रखा गया है फोर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड से लेकर वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड तक और यह सेवेंथ पे कमीशन के हिसाब से लागू होगा

एम सी एच एम सी टी और एनसीएमसी होना चाहिए ठीक है एंड डिजल क्वालिफिकेशन पी एच डी रखा गया है पीएचडी मेडिटेरियन नहीं है यदि किसी के पास पी एच डी है तो ये अच्छा है एसेंशियल एक्सपीरियंस भी ऐसे रखा गया है एटलीस्ट फाइव इन टीचिंग एक्सपीरियंस इन द ग्रेड ऑफ असिस्टेंट लेक्चर और इक्ट तो ये डिजायर करता है कि पीएचडी हो या उसके साथ साथ आपका मिनिमम फाइव पाँच साल का एक्सपीरियंस हो एंड एटलीस्ट सेवन ईयर्स ऑफ टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस जिसके पास मान लो कि पीजी डिग्री नहीं है तो उसके लिए सात साल का एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग थ्री ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग ट्रेनिंग एंड थ्री स्टार होटल उसके बाद देखते हैं असिस्टेंट लेक्चर कम असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर वही टोटल पोस्ट है एक और एस टी के लिए है सैलरी जो मेंशन किया हुआ है थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड से लेकर वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड कैटेगरी वन में यहाँ मेंशन किया गया है पोस्ट ग्रेजुएट और एम होना चाहिए और उसके साथ साथ फुल टाइम डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए और सेम चीज एन और एन सी एच एम टी अपडेड इंस्टीट्यूट होना चाहिए

कॉमन सर्कुलर कॉमन कॉलेज क्या है बोध के लिए द पीरियड ऑफ सर्विस रेंडेड एज ए टीचर एट यू जी एंड एवव लेवल तो आपको जो पढ़ाना है वो पी जी या एवव लेवल के लिए दोज हैविंग लाइक पी एच डी डिग्री इन हॉस्पिटेलिटी रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आफ्टर एबव प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नो नीड टू क्वालिफाई एन एच टी टी एग्जाम ठीक है जिसके पास पी है उसको एनएसटीटी क्वालिफाई करने की कुछ जरूरत ही नहीं है टीचिंग एसोसिएट टोटल पोस्ट है पांच जनरल के लिए है तीन और ओबीसी के लिए है एक और एससी के लिए है एक एंड इसके लिए जो कंसोलिडेटेड जो सैलरी है ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है ठीक है मिला करके आपको हर महीने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मिलेगा और ये जो पोजीशन है ये पोजीशन है ये परमानेंट नहीं है बाकी ऊपर का जो दो है ये है ये परमानेंट इसके लिए क्या चाहिए इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए प्लस टू फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड फुल टाइम मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन होटल मैनेजमेंट सिक्योरिंग नॉट लेसटीट आईदर इन बैचलर्स और मास्टर तो बैचलर या मास्टर में आपका मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क होना चाहिए और फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन हॉस्पिटल एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन हो होटल मैनेजमेंट आफ्टर प्लस टू फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी सिक्योरिंग नॉट लेस लेसटी परसेंट मार्क इन एग्रीगेट विथ एटलीस्ट टू इयर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस तो आपके पास यदि बैचलर्स डिग्री है मास्टर्स डिग्री नहीं है तो आपके पास मिनिमम दो साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है इसके साथ साथ और क्या मेंशन किया गया है हैव क्वालिफाइड एन एस टी टी कंडक्टेड बाई एनसीएचएमसीटी एम सी टी तो एन टी टी का एग्जाम क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है इसके साथ और जिसके पास पी एच डी है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है उनको और इनका जो एज लिमिट है आप यहाँ देख सकते हो ये थर्टी इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्किल टेस्ट होना जरूरी है स्किल टेस्ट के थ्रू में इसका रिक्रूट किया जाएगा बाकी ऊपर जो असिस्टेंट लेक्चर कम असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के लिए एज लिमिट आपका 35 है और इसका भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होगा होगा वो स्किल टेस्ट और बाकी जो लेक्चर कम इंस्ट्रक्टर के लिए एज लिमिट रखा गया चालीस साल और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिटर्न एंड स्किल टेस्ट तो स्किलेस्टीकेशन प्रोसीजर क्या है चलिए हम देखते हैं जेनरल कंडीशन यहाँ मैं रिलैक्सेशन एज यहाँ दिया गया है जो जो भी वहाँ लिखा गया है उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी विल बी रेस फाइव हंड्रेड पर कैंडिडेट इफ़ एनी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट सेपरेट प्रोसेसिंग फी ऑफ रेस 500 पर पोस्ट विल बी पेबुल तो आप यदि एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको पाँच सौ रुपया देना पड़ेगा आप यदि दो या तीन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा और उसके लिए सेपरेट भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा आप यदि दो पोस्ट के लिए आप भेज रहे हो तो आपको हज़ार रुपया देना पड़ेगा यदि तीन पोस्ट के लिए आप भेज रहे हो तो आपको एक हज़ार पाँच सौ रुपया देना पड़ेगा और ये पे आपको करना पड़ेगा थ्रू आर टी जी एस और एन ई एफ टी और इस इंस्टीट्यूट के नाम में आप देख सकते हो ये है एड्रेस ठीक है और इसका सारे के सारे जो से आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा और मैं मैं वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा नीचे आप यहां से देख लेना इसके साथ साथ आपको क्या करना है उसका जो प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है इसको डाउनलोड करके वहां फिलअप करके आपको यहाँ स्पीड पोस्ट करना है या कुरियर करना है इस एड्रेस पर और कितने दिन के अंदर यहाँ लिखा गया है तीस दिन के अंदर ठीक है आप यहाँ दे, देख सकते हो तीस दिन के अंदर आपको यह भेजना पड़ेगा और इसके साथ साथ सेल्फ सारे सारे के सारे आपका डॉक्यूमेंट्स उसके साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको भेजना पड़ेगा एंड वहां मेंशन करना पड़ेगा एनवल्प के ऊपर में आप कौन सा पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा लिखा गया है आप देख सकते हो ये एक्चुअली जिन्होंने जनवरी 2020 में ये जो पोस्ट जो निकला था और जिन्होंने अप्लाई किया है ऑलरेडी तो उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ लिखा आप पढ़ सकते हो हु अप्लाइड इन लीव ऑफ एडवर्टाइजमेंट इश्यूड ऑन एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर डेटेडीन टू ट्वेंटी तो ट्वेंटी ट्वेंटी डो नॉट नीड टू तो अप्लाई अगेन तो जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है तो नीचे आप देख सकते हैं सारे के सारे डिटेल्स का जो हिंदी में ये लिखा गया है तो आप इसको देख सकते हो हिंदी या अंग्रेजी जिसको जो भी लैंग्वेज अच्छा आता है आप यहाँ देख सकते हो तो ये था डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजने से पहले एक बार इसको फिर से आप देख लीजिए डिटेल्स में आप एडवर्टाइजमेंट को देखिए इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भेजिए यहाँ आप और एक देख सकते हो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म ये है एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा इसको आप एक बार देख के इसी के हिसाब से आप फिलअप करके आपको भेजना पड़ेगा ठीक है मैं वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि टीचर्स इन हमारा फुल्ली डेडिकेटेड है टीचर्स के लिए यह चैनल आपको प्रोवाइड करेगा स्टडी रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिलेटेड और जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो जो भी अपना कैरियर टीचर्स में बनाना चाहते हैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर में बनाना चाहते हैं जॉब ढूंढ रहे हो या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा थैंक यू ऑल द बेस्ट